हैं जीवंती, ये जीवन की रक्षा करने वाली है और असाध्य रोगों को खत्म करने वाली है, इसको जीवंती कहते हैं। और जीवन रक्षा करने वाली ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको खरकोड़ी भी कहते हैं, खरकोड़ी, और हम लोग बुंदेलखंड में इसको बिस्पुतरिया भी कहते हैं। नमस्कार भाई बहनों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नई जड़ी बूटी के पौधा या बेल कहिए आप। ये देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में है और ये इसका फल है, देख लीजिए, ये इसका फल है और ये इस प्रकार से इसके पत्ते होते हैं। ये देखिए, ये पूरे पत्ते वगैरह हैं और ये आपके स्वास्थ्य के हिसाब से, और ये लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये किस प्रकार से लगे हैं, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। एक प्रकार से बेल होती है, ये देख लीजिए, तो ये आपके स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत बढ़िया है। केवल मात्र आप पहचान लीजिए, मैं इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा कि इसका नाम क्या है और इससे कौन कौन से फायदे ले सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये और ये हमारे पास भी है, ये हमारे गले में पड़ा हुआ है, तो देखिए और इसको पहचानिए अच्छी तरीके से। तो मैं इसका आपको नाम बताऊंगा, इसके फायदे और इस्तेमाल करने के तरीके ये क्या है, ये पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो हम इसको कहते हैं, इसको जो है हम लोग बुंदेलखंड की भाषा में बिस्पुतरिया भी कहते हैं, पहचान लीजिए मेरे भाई बहनों, तो ये बिस्पुतरिया भी कहते हैं इसको। और ये पत्ते वगैरह कितने सुंदर, और ये शायद वह दूसरे के पौधे पेड़ के ऊपर चढ़ जाने वाली बेल है, ये दूसरे के पेड़ में, ये जैसे ये नीम का पेड़ है, ये देख लीजिए ये नीम का पेड़ है, तो इसके ऊपर ये पूरी चढ़ी हुई है। और ये अगर नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है तो इसके जो है गुण, जो इसके अंदर गुण होते हैं, ये कई गुना आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि इसमें विटामिन ए की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, ये बिस्पुतरिया में विटामिन ए की बहुत मात्रा होती है, प्रोटीन है, वसा है, एंटीऑक्सीडेंट गुण भी बहुत इसके अंदर होते हैं, जिससे कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अंदर ऊर्जा भी है, ऊर्जा मूल्य, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, तो इस प्रकार से कैल्शियम भरपूर मात्रा में, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है इनके अंदर। ये बिस्पुतरिया जो है बहुत ही विष को नाश करने वाली है, जैसा नाम वैसा काम, जीवंती कहते हैं इसको, बिस्पुतरिया भी कहते हैं इसको, तो इस प्रकार से इसका नाम भी है, जैसा नाम है हमारे आयुर्वेद में, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने वैसा ही नाम दिया है इन जड़ी बूटियों को, जैसा ये काम करती है, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया। आँखों के लिए, अगर आंखों में दिक्कत है तो आप इसको लीजिए घी के साथ या दूध के साथ, आपको जो है आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आंखों की कोई भी दिक्कत हो, आंखों में कम दिखाई दे रहा हो, आंखों में माड़ा पड़ गया हो, तो आप इसको बिस्पुतरिया को इस्तेमाल करिए, जीवंती का इस्तेमाल करें। अगर बुखार आ रही है तो इसके पाउडर को लीजिए आप, जड़ के पाउडर को, तो बुखार में आपको आराम लग जाएगा, इसका काढ़ा बना करके पी लीजिए इसको। जोड़ों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में भी इसका काढ़ा बना करके पीजिए, या फिर बांट करके इसको तेल में मिला करके इसको अपने घुटने में लगाइए, थोप दीजिए उसमें, और गर्म करके, उसमें तेल नहीं डालना है, ऐसे पानी का बांट करके आप इसको अपने पैरों में लगाइए इसको, और साथ में तेल में गर्म करके आप जो है तेल में भी बना करके इसको लगा सकते हैं। तो तेल में बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इस बिस्पुतरिया की जड़ को ले लीजिए, कड़ुआ तेल ले लीजिए, कड़ुआ तेल ले लें, और साथ में आप एक गांठ प्याज का डालें और इसको अच्छी तरीके से पका लें और प्याज डाल लें, और इसके बाद जो है आप अपने घुटनों में मालिश करें तो आपके घुटने के दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जोड़ों के दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बदन का दर्द आपका खत्म होगा। अगर कहीं घाव हो गया है, घाव भरने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप इसके बांट करके आप इसको बांट लीजिए, और बांटने के बाद इसका जो जल निकले उससे धोइए और इसी को लगा दीजिए, तो आपका घाव भर जाएगा। तो घाव भरने के लिए सूजन में भी इसी तरीके से, सूजन के लिए चाहे अंदर की सूजन हो या पेट के अंदर की सूजन हो, आप इसके जड़ का चूर्ण बना लीजिए, और चूर्ण बनाने के बाद आप फांकिए इसको एक चम्मच सुबह खाली पेट, और शाम को खाना खाने के बाद, तो आपके देखेंगे पेट के अंदर की सूजन खत्म हो जाएगी। साथ में आपको भूख बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है, इसको आप इसका पाउडर ले लें या काढ़ा बना कर लें, तो आप जो है इस भूख बहुत तेज लगती है, भूख बढ़ाने के लिए, और खास करके असाध्य रोग जो टीबी का मर्ज होता है, कहते हैं कि टीबी का मर्ज जाता नहीं, तो टीबी के मर्ज के लिए भी ये बहुत बढ़िया है, तो टीबी के मर्ज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें, टीबी के मर्ज में इस्तेमाल करें। साथ में अगर दस्त लग रहे हैं, पेट में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो पेट के मर्ज को सही करने के लिए भी ये बहुत बढ़िया है, पेट के मर्ज को भी ये बिस्पुतरिया सही करती है, जीवंती या जीवंती कुछ भी कहें, तो आप इसके लिए
अगर पेट में मरोड़ आ रहा है, गैस बन रहा है, एसिडिटी है, तो जरूर इसके पंचांग का चूर्ण लीजिए, पंचांग का चूर्ण लीजिए। इसकी गोलियां भी मिलती हैं, जीवंती का पाउडर मिल जाता है आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटी स्टोर में, हर आइटम मिल जाती है, हर चीज मिल जाती है इसकी। इसका पाउडर भी ले सकते हैं, इसकी गोलियां भी ले सकते हैं। तो आप जीवंती को जो है इस्तेमाल करें आपके जीवन में, ये बहुत बढ़िया है। जीवंती का उपयोग जो है आप पाउडर के रूप में भी कर सकते हैं, काढ़ा के रूप में भी कर सकते हैं। इसके पंचांग को ले लीजिए, आप काढ़ा बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इसको करें। इसके टेबलेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टेबलेट भी ला सकते हैं बाजार से, या आप ताज़ा बना करके घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान देना मेरे भाई बहनों, क्योंकि कितनी आपके अंदर क्षमता है इसको हजम करने के लिए, उस हिसाब से हम आपको कह रहे हैं कि ये वीडियो हम आपको जानकारी के हिसाब से दे रहे हैं। आप डायरेक्ट इस्तेमाल न करने लग जाइएगा, आप किसी जानकार या वैद्य से सलाह लीजिएगा, तब जा करके इनको इस्तेमाल करिए। आप गूगल में सर्च करिए, गूगल से जानकारी लीजिए, पूर्णतः जानकारी लीजिए, तब इस्तेमाल करिए। ये हम वीडियो आपको ज्ञानवर्धन के लिए दे रहे हैं, जानकारी के लिए, कि ये आपको फायदा करती है। आप गूगल से पूछिए, आप वैद्यों से पूछिए, आप जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के स्टोर हैं उनमें जा करके पूछ करके लीजिए कि क्या ये बिस्पुतरिया हमारी टीबी के लिए फायदेमंद है। आप इस तरीके से जानकारी लेकर के आप इनका इस्तेमाल करिए, इनका इस्तेमाल करिए। किसी वैद्य की देखरेख में जरूर किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितना क्या विश्वास है कि हम मर्ज को सही कर लेंगे, इस हिसाब से आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिस्पुतरिया जो है, तो आप इसको पहचान लीजिए, ये देख लीजिए, ये है बिस्पुतरिया, तो ये बिस्पुतरिया का जरूर इस्तेमाल करें ये। और ये पत्ते देख लीजिए, ये इस तरीके से पत्ते होते हैं, और ये बहुत बढ़िया, ये शायद वहाँ दूसरे की बेल में चढ़ जाता तक देख पा रहे होंगे, तो ये देख लीजिए ये पूरा है। तो आप इनका इस्तेमाल करें, ये बिस्पुतरिया का इस्तेमाल करें, ये बहुत बढ़िया है। ये जीवंती, आप जीवंती नाम याद रखें और ये इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करिए, साथ में अपना खान पीन का परहेज करिए, बाजार का भोजन, बाजार का बहुत तेल वाला भोजन ये बिल्कुल अवॉइड करें, इससे दूरी बनाएं, जिससे कि आपको स्वास्थ्य बहुत जल्दी आपके शरीर में लाभ मिले। क्योंकि अगर आप बहुत तेल मसाले वाला भोजन करते हैं तो आपको बहुत समय लग जाता है। अगर इन सब चीज़ों घर का ताज़ा भोजन ले, ताज़ा घर का अनाज ले, आप मोटा अनाज लें, ज्वार बाजरा रागी ये सब लें, तो आपको बहुत जल्दी, आप उबले हुए चने लें, आप बॉयल किए हुए जो है गेहूं ले सकते हैं, आप अपने घर के अन्न को उगा करके, जिसको कहते हैं आप अंकुरित करके चने लीजिए, गेहूं लीजिए, मूंग लीजिए, ताजे फल लीजिए, ताज़ा भोजन करिए, बाजार का भोजन बंद करिए, बहुत तेल मसाले वाला भोजन बंद करिए। आप बाजार में बहुत तेल मसाला पकौड़े समोसे ये चीनी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। चाय कम करिए, चाय बहुत कम मात्रा में पीजिए, आपकी अगर बहुत ज़्यादा आदत है तो थोड़ा थोड़ा चाय लीजिए। जब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।